तीव्रता का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग नापने के लिए, वायुदाब नापने के लिए, वायु दिशा नापने के लिए, या वायु तापमान नापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, विंड डायरेक्शन यानी कि वायु की दिशा मापने के लिए वात दिग्दर्शिका का प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वात दिग्दर्शिका का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शिका जेरेज, जो कि स्पेन में स्थित ट्यूपेपे सेरी है, ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा वात दिग्दर्शिका स्पेन के जेरेज में है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है टियो पेपी सेरी। देखिए आप देखेंगे कि जब कभी भी इमारतों के ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर लगा होता है, जो है क्या कहते हैं, हवा के साथ में वो मूव करता है, रोटेट करता है, वही होता है वात दिग्दर्शिका। और अगला है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो यहाँ पर वायुमंडल की उस परत का नाम है थर्मोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल वायुमंडल जो होती है वो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडियो थर्मोस्फीयर के ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। इन रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप टीवी और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, यानी कि जो भी हम टीवी और रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण सुनते हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होने वाली रेडियो तरंगों की वजह से ही हम सुनते हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल के जो परतें हैं उनको हम बाह्यमंडल कहते हैं, उसके बाद में जो है हम समताप मंडल कहते हैं, मध्यमंडल कहते हैं, और जो है उसको बाह्य वायुमंडल कहते हैं, यानी कि थर्मोस्फीयर। और थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल उसी के ऊपर होता है आयन मंडल, या जो है आयन मंडल एक प्रकार से कहें तो वो थर्मोस्फीयर का ही भाग होता है। चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि थर्मोस्फीयर के ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है, यानी कि ये थर्मोस्फीयर होता है और इसके ऊपरी परत को आयन मंडल कहा जाता है, यानी कि थर्मोस्फीयर के ऊपर वाले हिस्से को आयन मंडल कहते हैं। यहीं से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक होता है परंपरागत स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत जो होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है, वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन वही परंपरागत स्रोत जिसमें प्राकृतिक गैस शामिल है, कोयला शामिल है और बहुत सारी ईंधन शामिल हैं, तो वो जो है पर्यावरण के लिहाज से थोड़ा सा जो है प्रदूषक माने जाते हैं। तो इसमें सोलर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है वो गैर परंपरागत स्रोतों में शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी कि ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत वे होते हैं जो आधुनिक युग में ईजाद किए गए हैं। अब आधुनिक युग में जैसे देखेंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज हैं, उनको जो है अब उपयोग किए जाने की नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद भी की जा रही है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करें। देखिए जब हम गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कोयला का, पेट्रोलियम गैसों का, प्राकृतिक गैसों का हम संरक्षण भी कर रहे होते हैं। और जब हम परंपरागत स्रोतों से संबंधित ईंधन का प्रयोग करना बंद करते हैं तो हम पर्यावरण हितैषी भी बन जाते हैं, एक प्रकार से पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं कहीं ना कहीं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के मछली की खेती करना जो है वो पिसीकल्चर कहलाती है, और वहीं पर विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, हार्टिकल्चर कहते हैं उद्यानी को यानी कि फल सब्जी इत्यादि की खेती को, और रेशम कीट पालन कहते हैं सेरी कल्चर को। तो यहाँ पर कृषि का नाम दिया गया है जिसको याद रखना महत्वपूर्ण है। और अगला है कि स्थल का एक शकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो स्थल का शकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसको हम स्थल
संधि कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थल संधि वह शकरी पट्टी है जो दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि, और यहाँ पर उत्तर देखिए गलत हो गया है, उसको हम स्थल संधि नहीं कहेंगे, उसको हम जल संधि कहते हैं, जिसमें भूमि के दो बड़े भाग जो होते हैं वो एक विशाल शकरी पट्टी के द्वारा, जल की विशाल शकरी पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको जल संधि कहा जा सकता है। इस तरह की उदाहरण के रूप में आप पनामा जल संधि को देख सकते हो, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में है, या यूँ कहें कि लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर एशिया महाद्वीप आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 77 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का 5.9% है। देखिए टोटल जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो ज़मीन है वो पूरे विश्व का कितना है, वो पूरे विश्व के संदर्भ में प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो 5.9% है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब इस समय एक और महाद्वीप चर्चा में आ चुका है, जिसको कहा जाता है जीलैंडिया। ये महाद्वीप आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है उसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में लगभग, जैसे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का लगभग स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो है वो न्यूजीलैंड बसा हुआ है। तो न्यूजीलैंड के नीचे वैज्ञानिकों ने जो है शोध किया है कि न्यूजीलैंड के नीचे एक काफ़ी बड़ा जो है वो हिस्सा पड़ा हुआ है, जो कि समुद्र में डूबा हुआ है, वो पूरा का पूरा जीलैंडिया महाद्वीप है। तो यानी कि अब जो है टोटल विश्व में कितने महाद्वीप हो जाएंगे, अब विश्व में हो गए हैं 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हो गए हैं। एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जीलैंडिया महाद्वीप जो है उसका जो ऊपरी हिस्सा जो दिखता है वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के पूरे नीचे में जो फैला हुआ है वो जीलैंडिया महाद्वीप है। लेकिन जीलैंडिया महाद्वीप में चूँकि वो समुद्र में डूबा हुआ है, इसलिए दुनिया के जो 7 महाद्वीप हैं उस तरीके की वहाँ पर आबादी नहीं है, वहाँ पर रिसोर्सेस संसाधन तमाम हैं, जिस जो अभी शोध का विषय हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि 8 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल 4.46 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला है जो कि अधिगम से जुड़ा हुआ सवाल है, साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो हम पढ़ते हैं ना कि सामाजिक विज्ञान और क्या कहते हैं कि साइंस, तो सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र शामिल है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान इंटर विषय के स्तर हैं। तो यहाँ पे इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल हैं, वहीं पर समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जो है ये इंटर में शामिल होता है, उच्च प्राथमिक स्तर में ये शामिल नहीं है।